अनुपमा होने वाली है फिर से परेशान, रोमिल की होने वाली है अधिक से लड़ाई, साथ ही अधिक फिर से उठाने वाला है पाखी पर हाथ, तो वहीं काव्या की होने वाली है तबीयत खराब। वेल दोस्तों, स्टार प्लस के सीरियल अनुपमा के आने वाले ट्रैक की कहानी बेहद इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपको देखने को मिलेगा कैसे अनुपमा फिर से मुसीबतों में घिरती हुई नजर आएगी, वो कैसे, चलिए बताते हैं। सबसे पहले आज आप यही देखेंगे, रोमिल और अधिक दोनों की आपस में लड़ाई हो रही होती है, जहां पर रोमिल अधिक से कहता है, अरे जाओ तुम तो वाइफ बीटर हो, यानी कि अपनी पत्नी को मारने वाले हो, और ये चीज अधिक को बर्दाश्त नहीं होती। अधिक को भी आप जानते हैं वो कितना बदमाश है, भाई उसे कोई चीज बर्दाश्त नहीं होती, और जब रोमिल उसके आगे उसकी सच्चाई उगल देता है तो ये चीज अधिक बर्दाश्त नहीं कर पाता है, और फिर उन दोनों के बीच में हाथापाई हो जाती है, और ये सब देखकर पाखी डर जाती है। पाखी इन दोनों के बीच में आने की कोशिश करती है, लड़ाई को रुकवाने की कोशिश करती है, तभी पाखी के सर में चोट लग जाती है। वहीं आ जाते हैं अनुपमा अनुज, जहां पर अनुज चिल्लाने लगता है और कहता है कि तुम लोगों को अगर ये सब करना है तो मेरे घर के बाहर जाकर करो, यहाँ ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। तो वहीं अनुपमा भी इन दोनों को सबक सिखाती है। फिर आप देखेंगे कैसे जब अनुपमा पाखी के पास जाती है और पाखी के सर पे चोट लगी होती है, लेकिन पाखी फिर भी अधिक का ही साइड ले रही होती है, क्योंकि अधिक ने पाखी को धक्का दिया होता है और ये बात पाखी किसी से बताना नहीं चाहती, लेकिन अनुपमा को शक हो जाता है। वही अनुपमा अधिक रोमिल दोनों को अपने अपने कमरे में भेज देती है, जिसके बाद वो पाखी के सामने एक्टिंग करती है कि रोमिल की ही गलती है, क्योंकि अनुपमा को पता चल गया है कि रोमिल और पाखी की आजकल दोस्ती हो चुकी है। अब अनुपमा ड्रामा करती है और कहती है रोमिल को ही घर से बाहर निकाल देना चाहिए। अब इसी पागलपंती में पाखी जो है सच्चाई उगल देती है कि अधिक ने उसे धक्का दिया था, रोमिल की कोई गलती थी ही नहीं। अब इस बात पर अनुपमा पाखी पर चिल्लाती है कि तू फिर भी अपने पति को सपोर्ट करने की कोशिश कर रही है। फिर आप देखेंगे किस तरह अनुपमा अंकुश को कहती है कि रोमिल को संभालिए, साथ ही बरखा की क्लास लगाते हुए कहती है कि बरखा भाभी आप एक काम कीजिए, अपने भाई को संभाल लीजिए, वरना मैं दोनों का सामान उठाकर बाहर फेंक दूंगी। अनुज भी सेम यही बात कहता है कि मुझे हमारे घर में ड्रामा नहीं पसंद। तो देखा भैया आपने किस तरह ड्रामे चल रहे हैं। वही केंजल, काव्या, बा तीनों किचन में होते हैं, जहां इन तीनों का प्यार देखने को मिलता है। अब बा काव्या केंजल दोनों की ही केयर कर रही है। वही काव्या की तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तो वही डिम्पल अपनी फ्रेंड्स के साथ बैठी हुई है, जहाँ डिम्पल ने समर से फिर से पैसे मांगना शुरू कर दिया है, क्योंकि उसे अपनी फ्रेंड्स के साथ पार्टी करनी थी, लेकिन डिम्पल को ये चीजें पसंद नहीं आती। वहीं आप देख सकते हैं फिर से मालती देवी की एंट्री होने वाली है, जहां अनुज अनुपमा कार में बैठकर मंदिर के आगे प्रेयर करते हुए नजर आएंगे, तो वहीं मालती देवी की एंट्री होगी, साथ ही काव्या की प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस आने वाले हैं। तो वहीं आपका क्या कहना है सीरियल के आने वाले ट्रैक को लेकर, कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। टीवी बॉलीवुड से जुड़ी हुई तमाम अपडेट के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो जल्दी से इसे भी फॉलो करें।